नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल टीवी में। आज है 11 अगस्त और आज हम आपके सामने आज की बड़ी खबरों के साथ। राज्य में 13 दिनों में एक्टिव केस दोगुने हुए। इस सीजन में अब तक 5 लाख टूरिस्ट पहुंचे। देश में कोरोना की तीसरी लहर कभी भी दस्तक दे सकती है। इसके बाद भी टूरिस्ट स्पॉट्स पर भीड़भाड़ जारी है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित कई टूरिस्ट स्टेट्स में बड़ी तादाद में ट्रैवलर्स पहुंच रहे हैं। कोरोना नियमों में ढील मिलने के बाद इस साल जुलाई तक हिमाचल प्रदेश में करीब 5 लाख टूरिस्ट देश भर से पहुंचे। समर्स में टूरिस्ट सबसे ज़्यादा आते हैं। होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के मुताबिक जुलाई में हर साल बुकिंग 25-30% ही रहती है, लेकिन इस साल यह 70-100% तक रही। देश भर से हिमाचल घूमने पहुंचे ट्रैवलर्स का असर अब यहां दिखना शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 13 दिनों के अंदर एक्टिव केस दोगुने हो गए हैं। 28 जुलाई तक यहां 950 के करीब एक्टिव केस थे, जो 9 अगस्त तक बढ़कर 2000 के करीब हो गए हैं। यहां अब तक संक्रमण के 2 लाख से ज़्यादा मामले आ चुके हैं और 3,500 से ज़्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। सीएम जयराम ठाकुर ने जताई चिंता। 13 दिनों में एक्टिव केस दोगुने होने पर राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी चिंतित हैं। उन्होंने सोमवार को कहा कि हिमाचल में संक्रमण के मामलों के रिकॉर्ड में बढ़ोतरी हो रही है। इस मसले पर कैबिनेट बैठक में चर्चा की जाएगी। हमें नहीं पता कि आने वाले दिनों में स्थिति कैसी होने वाली है।